प्रातःकाल हुआ, सारा समाज विदा होने के लिए इकट्ठा हुआ। उस समाज में भरत जी महाराज ने कहा कि आपकी आज्ञा हो गई, अयोध्या की सेवा करूंगा। भगवान ने भी कहा, भरत जी ने इस खास बात ये कही कि मेरे कारण से आपको बड़ा संताप हुआ, आपने बहुत कष्ट उठाया, परंतु आप शरणागत की बात सुनने वाले हैं, मैं भी इस समय आर्त हूं, दुखी हूं, आप मुझे संकोच छोड़ करके आज्ञा दीजिए किस प्रकार राज्य का काम करूं। भगवान कहते हैं, चिंता मत करो भरत, गुरुजनों का आशीर्वाद वन में तो मेरी रक्षा करेगा, मेरी सहायता करेगा, और अयोध्या में तुम्हें गुरुजी आशीर्वाद देते रहेंगे। अपने दोनों मिलकर, पिता के दो वचन थे, मिलकर के पाले, एक वचन तुम पालो एक वचन हम पाले, पितु आयसु पालव दो भाई। मुखिया होता है वो मुख्य समान होता है, तुम इस समय अयोध्या में मुखिया बनने जा रहे हो तो तुम मुख के समान रहना, सब खाना पीना मुख से होता है, पर मुख अपने लिए नहीं खाता, जो भी खाते हैं वो यहीं रहता है क्या, इकट्ठा हुआ हुआ सारे शरीर में फैलता है। इसी प्रकार से सारे प्रजा की सुख सुविधा का ध्यान रखना, चाहे अपने को कष्ट उठाना पड़ जाए, परंतु प्रजाजनों के सुख के लिए बराबर विचार करते रहना, यही राजनीति है, यही राजधर्म है। के महाराज कोई आशीर्वाद दीजिए, तो भगवान ने वहां अपनी पावड़ी दी, उस पावड़ी को भरत जी महाराज ने अपने सिर पर धारण किया, और वो जो उच्चाटन का प्रभाव था अब सब पर पड़ा, और सब वहां से जल्दी जल्दी रवाना हो रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मैं भी कैसा कठोर हूं, जिस लेखनी से मैंने राम और भरत को मिलने की बात लिखी उसी लेखनी से दोनों का वियोग लिख रहा हूं, पर करूं क्या, ये मेरे बस की बात नहीं है। तत्पश्चात भगवान दूर तक सबको विदा करने के लिए आए, और चार दिन में भरत जी अयोध्या पहुंच गए। चार ही दिन जनक जी महाराज अयोध्या में रहे, सब राजकाज की व्यवस्था करवा दी, और उसके बाद जनक जी जब चले गए तब भरत जी नंदी गांव में एक पर्ण कुटीर बना करके वहां रहते थे, और वहीं पर सब प्रकार की शासन की व्यवस्था संभालते थे। राज सिंहासन पर उन्होंने राम जी की पावड़ियां रख दी थी। भरत जी इतने निष्प्रिय होकर शासन संभाले कि दशरथ जी महाराज का जो धन था उस धन से कितना ही ज्यादा वहां धन बढ़ने लग गया, और इधर भरत जी की भक्ति भी बढ़ने लग गई। शरीर से तो कमजोर हो रहे थे पर भक्ति का तेज उनका बढ़ता ही चला जा रहा था। हरदम राम जी की लीला का स्मरण करके नयनों से नीर बहाते हुए नाम का जप करते थे। राम जी और लखन तथा सीता जी वन में बसे हुए तपस्या करते हैं, और भरत भवन में रहते हुए तपस्या कर रहे हैं। ऐसी दोनों पक्षों की तपस्याओं से सभी लोगों को बड़ी आनंद की अनुभूति हुई, और उन्हें भक्ति का एक विशेष मार्ग दिखाई दिया। इस प्रकार अयोध्या कांड का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि भरत जी का चरित्र यदि कोई प्रेम से सुनता है तो उसके हृदय में सीताराम के चरणों का प्रेम अवश्य होता है।
इस तुलसीदास जैसे पुरुष को, सट पुरुष को हट पूर्वक राम के सन्मुख करने वाला ये एक रामचरित्र है, भरत चरित्र है। पश्चात अरण्य कांड का शुभारंभ होता है। पहले शंकर भगवान की वंदना है, उसके बाद सीता लक्ष्मण सहित राम की वंदना है, दो की वंदना है, दो श्लोक हैं, दो श्लोक। दो श्लोक क्यों है कि अरण्य कांड में तीन में से दो रह जाएंगे। सबसे पहले वायस प्रसंग दिया है, इंद्र का बेटा जयंत कौवा बनकर राम जी के वहां पहुंचा चित्रकूट मैन शिला पर, जहां लक्ष्मण जी अलग थे, राम और सीता जी विराजमान, सीता जी की गोद में राम जी का सिर है, विश्राम कर रहे हैं। उस समय में ये राम जी का बल देखने के लिए जयंत कौवा बनकर आया और सीता चरण चौंच हति भागा, सीता जी के चरणों में उसने चौंच मारी और वो खून राम जी के शरीर का स्पर्श किया, राम जी जगे और पता चला अच्छा ये इंद्र का पुत्र इतना घमंडी, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अब वो अपना स्वरूप बदल करके पिता के पास गया। पिता ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं तो क्या हुआ, तुम राम से विमुख हो, मेरे यहां नहीं रह सकते। फिर उसके बाद ब्रह्मलोक में गया, वहां भी उन्होंने नहीं रखा, कहीं उसको शरण नहीं मिली। घूमते घूमते नारद जी ने देखा कि जयंत बड़ा व्याकुल हो रहा है, कहा क्या बात है। उसने सब अपनी बात सुनाई, नारद जी ने कहा उन्हीं के चरणों में जाओ। तब वो वापिस उनके चरणों में आया और फिर भगवान ने उसको एक आंख कर तजा भवानी, एक नयन करी तजा भवानी। ये प्रसंग क्यों दिया कि सीता जी का अपराध करने वाला यदि इंद्र का पुत्र भी है तो भगवान उसको क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन किसी सत्संग के द्वारा भगवान की शरण में आ जाए तो उसको क्षमा भी कर देंगे। रावण के लिए मानो ये पूरे अवसर मिले थे, हनुमान जी मिले, विभीषण मिला, सत्संग तो उसको मिल ही गया, फिर भी वो शरण में नहीं आया तो भगवान ने उसको जो है जयंत के समान नहीं रखा, छोड़ा नहीं, उसका वध ही किया। पश्चात अत्रि के आश्रम में भगवान विदा मांगते हैं, अत्रि ने भगवान की स्तुति गाई, अनुसुया ने सीता जी को दिव्य वस्त्र दिए, दिव्य अंगराग दिया, दिव्य कुंडल दिए, ताकि सीता हरण के बाद उनके वस्त्र मलिन न हो। दिव्य वसन भूषण पहिराए, नित नूतन अमल सुहाए, उनके ऊपर कोई मैल नहीं चढ़ता था। वैसे भगवान का शरीर, भगवती का शरीर अप्राकृत है, दिव्य है, परंतु लोक संग्रह के लिए ऋषि ने इतने सुंदर वस्त्र दे दिए कि लंका में उनको जरूरत ही न पड़े। पातिव्रत्य का बड़ा सुंदर उपदेश दिया और आगे चले। विराट का वध करने के बाद सर्वंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और सर्वंग ऋषि भगवान के दर्शन करके परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद सुतीक्ष्ण जी के वहां जाते हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग है सुतीक्ष्ण जी का। वे मन ही मन में भगवान का स्वरूप ध्यान करते हैं, वो भूप रूप का ध्यान कर रहे थे, राजा राम का स्वरूप, राजा राम विराजमान है, आंख खोले ही नहीं, भगवान वहां पर खड़े, कई प्रकार से उनको बोलते भी हैं, जगाते भी हैं। सुतीक्ष्ण जी ध्यान में डूब गए, भगवान ने देखा क्या करें, ये तो हमारे राजा रूप में ध्यान कर रहे हैं, तो हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। तब विचार किया, मैं तो चतुर्भुज का ध्यान ही नहीं करता, ये चतुर्भुज कैसे प्रकट किए, तो घबराए घबराए तो आगे राम जी दिखाए है। फिर उनके चरणों में गिर गए, खूब लंबी चौड़ी स्तुति करी और वरदान मांगा कि महाराज मेरा अभिमान बढ़ना चाहिए। अभिमान, अरे दुनिया तो अभिमान को छोड़ने के लिए प्रार्थना करती है हमसे और तुम अभिमान बढ़ाते हो कि हाँ, पर मेरा अभिमान कैसा हो, अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये मेरा अभिमान बढ़ना चाहिए।
अच्छी बात है। और कोई वरदान मांगो तो महाराज, और तो मैं क्या मांगू, मुझे तो कुछ मांगना आता नहीं, आप ही दे दो। तो चाह हम तुमको अविरल भक्ति देते हैं, अविरल भक्ति देते हो तो अब मैं वरदान मांगता हूं कि आप सीता सहित मेरे हृदय में धनुष धारण करके बैठे। अरे धनुष धारण करके क्यों? क्योंकि महाराज कुछ पता नहीं अपने हृदय का, न जाने किस समय कामना पैदा हो जाए, किस समय क्रोध पैदा हो जाए, किस समय लोभ पैदा हो जाए। सब पर भरोसा कर सकते हैं दुनिया में, सब पर भरोसा करो, लेकिन एक अपने मन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए महाराज बसव सदा निह काम, मैं इसलिए चाहता हूं धनुष बाण लिए रखोगे तो मेरे जो विकार मन में उठेंगे उसी समय आप उनको मार दोगे। अच्छी बात है, ठीक है, भगवान भी खुश हो गए। भैया अब हम अगस्त ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। ओ अगस्त तो मेरे गुरु है, मैं आपको साथ में ले चलूंगा। भगवान बड़े खुश हुए कि देखो इसकी चतुराई, और हमारा संग चाहता है। अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, अगस्त ऋषि के यहां खूब बातें हुई। भगवान ने कहा कि चित्रकूट की लीला तो हमारी प्रेम लीला पूरी हो गई, शेष लीला के लिए कौन सी जगह है कि पंचवटी में चले जाओ, पंचवटी। तब वहां पंचवटी पर चले गए, गीदराज से भेंट भई। तत्पश्चात एक दिन लक्ष्मण जी राम जी से ज्ञान की चर्चा करते हैं, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, दोनों का भेद क्या है, कहां तक भेद है, कहां तक अभिन्न है, ऐसी चर्चा करी। और भक्ति क्या है, आपके चरणों में कैसे प्रेम होता हो, ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। लोग देखते हैं विज्ञान ये नए नए आविष्कार होते हैं, ये फालतू की बात है, ये हमारे शास्त्रों में इसको अज्ञान कहा है, आज के लोग इसको विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान एक तो ज्ञान होता है भगवत स्वरूप का, आत्म स्वरूप का, ये तो होता है ज्ञान। और भगवान का जो अनुभव होता है, प्रेम का रसास्वादन होता है, वो कहलाता है विज्ञान। तो महाराज ये क्या है, वैराग्य क्या है, ऐसी ऐसी बातें पूछी। अब आप कहोगे कि चित्रकूट में तो खूब लंबी अवधि में रहे, वहां तो नहीं पूछी, यहां क्यों पूछ रहे हैं पंचवटी में। कि चित्रकूट में जो है लीला भगवान ने की है वो चिन्मय स्थान है, वहां तो स्वयं ही ज्ञान की जागृति रहती है, स्वाभाविक ही वैराग्य भगवत प्रेम रहता है, अज्ञान रहता ही नहीं। और ये है मायावी क्षेत्र, पंचवटी में एक भगवान के अलावा सब मायाग्रस्त, सब कोई नहीं बचा। सीता जी को भी सोने का अमृत चाहिए, रावण भी वहां रूप बदल के आया, तो शूर्पणखा भी रूप बदल के आई, एक भगवान निर्माइक। तो यहां माया का क्षेत्र है, और जहां माया का क्षेत्र होता है वहां अंदर का प्रकाश चाहिए, क्योंकि माया तो अंधेरे की तरफ ले जाती है, अंत प्रकाश चाहिए, इसलिए इस ज्ञान की चर्चा यहां हुई है। फिर शूर्पणखा का प्रसंग आता है, शूर्पणखा के नाक कान क्यों काटे, इसलिए काटे कि भगवान को चाहती है इतना अंश तो इसका अच्छा था, गला नहीं काटा उसका, गला काटते तो कोई बात होती, नाक कान क्यों काटे कि भगवान से प्रेम करना ये इतना अंश तो अच्छा है, लेकिन भगवान से प्रेम भगवान समझ के नहीं कर रही है, केवल बाहर का रूप देख करके, तो भी कोई अर्जा नहीं है, यहां भी भगवान क्षमा कर सकते हैं। पर भगवान ने कहा कि भाई लक्ष्मण के पास जाओ, ये कुमारा है, कुमार का कुमार, भगवान के शब्दों में कहीं मिथ्यात्व दोष नहीं होता, ये कुमार है, कुमार मन मेरा छोटा भाई है। अच्छी बात है, वो लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी कहा मेरे पास क्यों, मैं तो इनका दास हूं, दास होने से तू दासी होगी, इनके पास चले तो तू रानी हो जाएगी। तो फिर राम जी के पास आई, फिर राम जी ने लक्ष्मण के पास भेजा, लक्ष्मण के पास, ये जो उल्टा पुल्टा काम होता है ना, इसमें भगवान ने इशारा किया नाक कान काटने का, भक्ति के अंदर ये दोष है। इसीलिए गीता में अनपायनी भक्ति है, यहां भी भगवान शंकर अनपायनी भक्ति के लिए बोलते हैं, अव्यभिचरित भक्ति के लिए बोलते हैं, भक्ति के दूषण को खत्म कर लेंगे नाक कान काटे।
खरदूषण के पास गई, खरदूषण के वहां जाकर के और सब चिल्लाई, झूठी झूठी बातें कही। खरदूषण सेना लेकर आए, राम जी ने कहा तुम जाओ यहां से, लक्ष्मण और सीता को अलग कर दिया। यहां अलग क्यों किया? यहां अलग किया इसलिए माया दिखानी, माया का क्षेत्र है ना ये। एक अकेले भगवान 14,000 को कैसे मारेंगे? तो सीता जी डर जाए, लक्ष्मण जी डर जाए, इनको कहा तुम पहले अलग हो जाओ। तो भगवान ने एक माइक बाण लगाया, माया का बाण, जिससे सबकी दृष्टि भ्रमित हो गई, सब आपस में एक दूसरे को राम समझ करके वहीं पर मर गए सब। सुर डरत 14,000 प्रेत मिलो की एक अवध घनी, क्या करे बताओ। तो सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करियो, देख ही परस्पर राम करे संग्राम रिपुदल लरी मरियो, सब लड़के मर गए। अब कहते हैं कि यदि लक्ष्मण जी वहां रहते, सीता जी यहां रहते तो क्या होता? तो ये माया का प्रभाव तो इन पर भी पड़ता, इन पर पड़ता तो ये देख रहे राम मर गए, राम मर गए, राम मर गए, ये मर जाते। इसलिए भगवान ने कहा तुम हट जाओ यहां से। एक बाण लगाकर सबकी मति भ्रमित कर दी, आपस में लड़बड़े, राम जी देख रहे हैं अपना आराम से। फिर शूर्पणखा रावण के पास जाती है। रावण के अंदर भगवान के प्रति भक्ति तो है ही, जय विजय तो थे। उस भक्ति की दृष्टि से सोचने लगा कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता है। यदि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए स्वयं साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान ने अवतार लिया है तो इनके साथ हट पूर्वक बैर करूंगा। यह बैर विरोधिनी भक्ति मेरे अंदर जागृत हो जाएगी, फिर भगवान के बाण से मरूंगा और फिर भवता रहू, संसार से तर जाऊंगा। इसका उपाय क्या करें? तो मारीच के पास गया। वो मारीच के पास गया, कौन? रावण। इतने में ही राम जी ने लक्ष्मण जी सीता जी से कहा, सीते अब देख लीला का मौका आ रहा है, अब तुम तो अग्नि में प्रवेश कर जाओ और तुम्हारा एक माइक रूप यहां पर स्थापित कर दो। निज प्रतिबिंब राखित है सीता, लक्ष्मण हूं यह मर्म अनुजाना। लक्ष्मण जी से छिपाया, यदि लक्ष्मण जी से नहीं छिपाते तो राम जी सीता का जो विरह करते थे, प्रेम दिखाते थे, लक्ष्मण जी टोक देते उनको बीच बीच में, ये क्या नाटक करते हो, असली सीता तो ले ही नहीं गया, चलो ना अपने अयोध्या, क्या करना है फालतू, असली सीता तो अपने अग्नि में है। ये लक्ष्मण जी से छिपानी आवश्यक थी लक्ष्मण जी की भक्ति के लिए। युद्ध के बाद लक्ष्मण जी ने कहा कि आपने मेरे से छिपाया क्यों? भगवान ने कहा देख तूने क्या अपने जीवन में सब बात मेरे को बताई है क्या? कि मैंने तो बताई है, छिपाई तो नहीं ना? कि मैंने तो नहीं छिपाई। कि देख याद कर ले सब, मैंने तो कोई आपसे बात छिपाई नहीं। अच्छा पुष्पवाटिका में तूने उर्मिला को देखा था, उर्मिला से तुम्हारा मन लगा, तुमने मेरे से कहा, मैंने तो कह दिया देख ये राजकुमारी यही होनी चाहिए, तुमने उर्मिला के लिए कहा, चरण पकड़ लिए महाराज, नहीं कहा तो ऐसे ही मैंने ही नहीं कहा। तो लक्ष्मण हुई है मर्म अनुजाना, जो कछु रचित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। मारीच ने कहा कि देखो मेरे घाव लगा हुआ है, आप ये आफत उड़ता तीर गढ़े में मत डालो। रावण ने कहा मारूंगा ये तो, मेरी बात नहीं मानेगा तो। तब देखा कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल करी सुख पाई हो, अपने आराध्य की जो है दर्शन करते में मृत्यु लेवे और मेरे पीछे भगवान रहे, उनका बाण लगे और राम राम करते हम मरे। अब वहां जाकर के भगवान ने बस वो सोने का बनाई, सीता जी ने कहा ही, और वहां राम जी पीछे गए ही। राम जी पीछे गए और उसने लक्ष्मण का नाम राम के स्वर में लिया, हाय लक्ष्मण। तो भगवान भी वहां कह सकते थे लक्ष्मण डरना नहीं, सीते डरना नहीं, राक्षस की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। पर भगवान को तो लीला करनी, नहीं तो सीता का हरण कैसे होगा?
भगवान तो बोले नहीं, और वो हाय लक्ष्मण। देखो ये लक्ष्मण का नाम लेने की बात रावण ने नहीं कही थी, उसकी क्या जची क्यों जची, ये भगवत संकल्प है। भगवान अपने मन की बात दूसरों से कैसे कैसे करवा लेते हैं, ये सर्वसमत्त प्रभु का सामर्थ्य है। और क्या है, कोई रावण ने योजना नहीं बनाई कि तू पहले लक्ष्मण का नाम लेना और ये करना, बात तू इनको ले जाया ऐसे। रावण ने तो यही सोचा था कि राम और लक्ष्मण दोनों ही जाएंगे, पर लक्ष्मण जी तो गए नहीं, राम जी ने वहां रख दिया उसको। भगवान ने उसको परम गति दी। इधर रावण आया और सुना देख करके सीता जी के हरण के लिए, देखो यहां नहीं आ रही लक्ष्मण रेखा खींची, ये बाद में आएगा प्रसंग है। तुलसीदास जी की विशेषता यही, सीता जी का हरण करने लगा तो मनमऊ चरण बंदी सुख माना, ये ऐसे ऐसे बातों पर ध्यान देना चाहिए। उसने सीता जी के चरणों में मन ही मन में वंदना की, ऊपर से डांट दिखाता है। ऐसा क्यों करता है, सीता जी का भगवान का प्रेम बताने के लिए करता है, इतना प्रेम है सीता जी के मन में, ये बताने के लिए रावण करता है। और फिर रावण ले जाने लगा, गीदराज से खटपट हुई, खूब लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, पंख काट दिए उसके गीदराज के। तो गीदराज ने क्या कहा, ये ओ हो ये भगवान की करनी है साहब। अब भगवान की काहे करनी, रावण की करनी है। रावण ने पंख काटे, भगवान ने थोड़ी काटे कि ना ना ना, ना जो होता है सो भगवान करते हैं, जो होता है जीवन में वो भगवान करते हैं, स्वाभाविक जो होता है होता है। मृत्यु आती है तो भगवान आते हैं, भगवान। रोग आता है तो भगवान आते हैं, नुकसान कोई हमारा होता है तो भगवान करते हैं, अपमान होता है तो भगवान करते हैं, वाह वाह भगवान करते हैं, अब क्या करें। तो काटे सी पंख पराखग धरणी, नीचे गिर गया और सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। अरे देखो राम जी का काम कर रहा था और भगवान ने मेरे पंख कटाए, ओहो वाह भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, मस्त हो गया, पंख कटा मरने चला है, मस्त हो गया। ऐसे प्रसंगों से सज्जनों ये रामायण को ऐसे जोड़ना चाहिए अपने जीवन के साथ, इतना भगवान का भक्त। दशरथ जी के समान समझते थे राम जी गीदराज जी को, लेकिन प्रतिकूलता तो उसके सामने आई, पंख उसके भी कटे, फिर बंदरों को देख करके आभूषण डाल दिए सीता जी ने, अशोक वाटिका में ले जाकर स्थापित कर दिया। इतना प्रसंग।